हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा पहाड़ी पिथौरागढ़ भट्टी में, और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो मायके से आने के बाद शायद मेरा ये दूसरा या तीसरा ब्लॉग होगा, और मेरी अभी तक उदासी गई नहीं है दोस्तों। क्या करें, माँ बाप तो सभी के बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन मेरे कुछ ज़्यादा ही प्यारे हैं। तो मतलब क्या ही बताऊँ, आप मेरे इमोशंस समझ सकते हैं। तो आज काफ़ी दिनों बाद सुबह सुबह आई है धूप, और आज है मेरा ऑफ, छुट्टी एक का दिन है। तो आज डिस्ट्रिक्ट में छुट्टी है, मौसम विभाग ने अलर्ट किया था इस वजह से। तो और आज बोते हैं हरेला, और हमिल भी है हरियाव, और साथ सारा अनाज वही जननी में, और पैनी माट सुधारो इबादु, सात प्रकार अनाज इकट्ठे करी और हरियाव हुए हैं। और तो देखूंगा तो मन करें आज। तो दोस्तों, हरेला जो पर्व है हमारा, उत्तराखंड का कृषि पर्व है, और ये किसान भाई लोग अपनी अच्छी पैदावार होने की कामना के साथ ये पर्व मनाते हैं। और प्रकृति और किसानों के बीच का अटूट प्रेम दर्शाता है ये हमारा हरेला पर्व। तो हरेला हमने भी बो दिया है, सात प्रकार के अनाज इसमें बोए जाते हैं दोस्तों, और तुम सब नल्ले बयान। और मतलब मैंने तो यहाँ शहर में रहकर एक चीज़ बहुत मिस करी है, कि हम पहाड़ों में ज़्यादा अच्छे तरीके से मनाते हैं कोई भी त्यौहार, और यहाँ उतने अच्छे तरीके से हो नहीं पाता है। और वो सामान वगैरह, जैसे यहाँ कोई पराद में बुनन, कोई टब में बुनन, हमारे वहाँ तो ननू नन डाल हो चुकी, एक डाल में बेचा हम लोग अजले मम्मी, और डाल में बुनन हरा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे थोड़ी नहीं मिल पाती हैं, तो वो चीज़ें मिस करते हैं हम लोग। और यहाँ से हम लोग मतलब शहरों में जितनी सुविधाएं हैं उतनी ही भागा दौड़ी भी है दोस्तों। सब लोग हर कोई काम जल्दी जल्दी में करते हैं, अभी जल्दी से हरेला डालो, ऑफिस जाना है, ये वो। तो हमारे घरों में हर एक चीज़ जो है वो बड़े इत्मीनान से और सुकून से मनाई जाती है, इसीलिए शायद उसका जो मज़ा है वो दुगना हो जाता है, उसका आनंद दुगना हो जाता है। तो और अभी 17 तारीख को हरेला कटेगा, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा छोटा सा कुन्नू भी खेल रहा है, और आज का मौसम भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, बारिश की वजह से सारे, ये देख सकते हैं आप, देखिए। और आज तो भी हल्के हल्के बादल भी हैं, और घामले आ रहे हैं, और हल्के हल्के बादल ले सन सब पानी में पूरी ताल बनी रहे। और ये मैं कुन्नू इल्ला खेलना, हर्षु 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 हर्षु, हाय कर दो हर्षु, जय कर दो जय, इतना बड़ा। इसकी चाबी गिर गई है ना यहाँ पे, इसके लिए ये लो ये लो ये लो, पकड़ो मम्मा मम्मा बोल दो, मम्मा हर्षु मम्मा। तक का पता नहीं बारिश होती है क्या होती है, अभी तो बहुत तेज हवा चल रही है और धूप आई है। तो दोस्तों, ये तो है अभी तक का मौसम, आगे पता नहीं क्या होगा, आजकल कोई भरोसा नहीं है। और अभी सुबह नाश्ता वास्ता सब कुछ हो चुका है, और बने रहिएगा आप मेरे साथ ब्लॉग में, क्या कुछ खास होता है आज के दिन में दिखाऊंगी मैं आपको, मिलती हूँ थोड़ी देर में। और दोस्तों, यहाँ पे कर रहा है मनन ड्राइंग, मनन दिखा तो क्या कर रहा है, ओ वाह, ये देखिए दोस्तों मनन ने ड्राइंग
बनाई है। मनन ये क्या है, ये ग्रीन ग्रीन क्या है? ये खेत है। खेत है ये? हाँ। और ये? ये नदी। ये नदी है। अच्छा ये क्या है? पेड़। अच्छा पेड़ के ऊपर क्या है? आम। ये आम है? ये नहीं है। हाँ पक्षी है। गुड। और ये क्या है? ये घर। घर है। अभी ऊपर ये जिसमें कलर नहीं हुआ है ये क्या है? एक ये पहाड़ है, ये घास है थोड़े, और ये पक्षी है, और ये पक्षी है, एक सूरज। अच्छा तो सूरज में कौन सा कलर करोगे मनन? येलो। अच्छा और पहाड़ों में? ग्रीन। पहाड़ ग्रीन होते हैं? व्हाइट। व्हाइट कलर? ब्राउन। हल्का हल्का ब्राउन कलर करोगे, है ना। तो दोस्तों देखो यहाँ पे कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है मानस भट्ट ने। और यहाँ पर हर्षित। हर्षित आप क्या कर रहे हो? मैं पढ़ाई कर रही हूँ अपनी बुक की। अच्छा और बुक का पता नहीं है? हाँ बुक नीचे गिरी है। अच्छा तो अभी यहाँ दोनों बच्चे अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई कर रहे हैं मतलब है। चलो अच्छा। और कलर सेंस मनन को बहुत अच्छा है दोस्तों। ये देखो सब छोटी क्लास में है अभी और अच्छा कर रखा है इसने। गुड। तो मनन हाय कर दो फिर, मुंह से भी बोल दो हेलो गाय। हेलो गाय। हाँ हेलो गाय। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। हाँ और कमेंट जरूर डालना कि हर्षित और मनन की ड्राइंग कैसी लगी है, कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। तो दोस्तों अब मेरी चल रही है सफाई यहाँ पे, और अभी मैं ये साफ़ कर रही हूँ, सब कंटेनर हैं साफ़ कर रही हूँ, भोगे कपड़े धो दिए मैंने, अभी साफ़ कर रही हूँ, थोड़ा झाड़ू वाड़ू करा के सफाई करी थी, और अभी ये कर रही हूँ मैं, छुट्टी का दिन है ना। ये देखिए इसमें आप अपने मसाले वगैरह रख सकते हैं, इसमें प्लेटें आ जाती हैं, और इसमें चाकू वगैरह भी रख सकते हैं, और नीचे का स्पेस भी खाली है, इसमें भी कुछ डिब्बे वगैरह या कटोरी या गिलास वगैरह आप रख सकते हैं। तो हम इसको रखते हैं कुछ ऐसे, ऐसे लगाते हैं हम इसमें प्लेटें तरीके से। सबसे पहले ये वाली छोटी प्लेट, फिर इससे बड़ी प्लेट, ये लगा दी हमने प्लेटें, और सबसे बड़ी प्लेट इसको डाल दूंगी मैं सबसे पीछे, क्योंकि एक एक करके ले जाने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों अभी किचन का सामान समेट दिया है, और अब थोड़ा सोचा था कि आराम करूँगी, लेकिन बेबी आराम नहीं करने देती है, क्योंकि वो खुद ही नहीं सोती है, वो नहीं सोती है तो फिर मैं भी कैसे सोती, और आजकल इतनी शैतान हो रही है, कुछ भी चाहिए उठा के मुँह में डाल देती है। और अभी का बाहर का मौसम है कुछ ऐसा, देख सकते हैं आप, गर्मी भी है काफ़ी, आज बारिश नहीं हुई है सुबह से, तो काफ़ी परेशान करके रख दिया इसने मुझे। हेलो दोस्तों, तो अभी अब मैं सीधे आपको मिल रही हूँ शाम के 6:30 बजे, और बीच में थोड़ा सा इसने परेशान किया था ये हमारे शैतान सिंह ने, अभी अपने पापा के साथ खेल रही है। और यहाँ पे मैंने इतने सारे कपड़े अभी करने हैं फोल्ड, और आज मैंने एक पार्सल मंगाया था फ्लिपकार्ट से, तो जिसमें मैंने अपने बेबी के लिए मंगाए थे शॉर्ट्स, 10 शॉर्ट्स आए हैं दोस्तों, और काफ़ी अच्छे लगे मुझे तो, किफ़ायती भी है। और वीडियो डालने वाली हूँ मैं चैनल पे इसके रिव्यू की, तो जाके देखना आप लोग। और अब मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का मौसम, सुबह से आज धूप थी और अभी शाम शाम में हो गया है मौसम कुछ ऐसा, बहुत ठंडा और अच्छा अच्छा मौसम हो गया है। अभी बादल लग गए हैं, हवा चल रही है, हो सकता है बारिश आ जाए, तो आ ही जाती तो अच्छा था,
थोड़ा उमस हो रही है ना तो वो कम हो जाती। तो ये देखो दोस्तों, अब शाम के खाने की तैयारी हो रही है, सब्जी वब्जी बना दी है। और आज का व्लॉग अब मैं यहीं एंड करूँगी, तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए, और आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे। मिलती हूँ आपको दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, पैनाद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।